नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय खबरों के सेगमेंट में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि किस प्रकार से चीन में शी जिनपिंग माओ के बाद में सबसे प्रभावशाली नेता बनने जा रहे हैं, किस प्रकार की वो प्रक्रियाएं हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर अब पहले भी डेमोक्रेसी तो नहीं थी लेकिन साम्यवाद के नाम पर तानाशाही की शुरुआत हो रही है। कुछ आपको ग्लिम्स ऐसे दिखाएंगी, आज की ऐसी घटना के बारे में जिक्र करेंगे जो कि इस समय पूरी तरह से मीडिया के अंदर छाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सभी से गुजारिश है कि जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है। हाँ, सेशन शुरू करें उससे पहले आप सभी को दिवाली से एक दिन पूर्व भारतीय टीम के द्वारा पाकिस्तान पर जो रोमांचक मुकाबले के अंदर जीत दर्ज की गई है उस सभी की आप सभी को शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, आपको याद है हमने कुछ दिनों पहले आपके साथ एक सेशन के अंदर जानकारी दी थी और बताया था कि शी जिनपिंग को शायद घर में नज़रबंद कर लिया गया है और कहा जा रहा था कि शी जिनपिंग को हटाने की तैयारियां चल रही हैं। हमने इस जानकारी को जब आपसे साझा किया था तो हमारे सेशन के अंदर हमने आपको कुछ न्यूज़ की कटिंग्स दिखाई थी जिनमें हमने आपको बताया था कि शायद प्रेसिडेंट को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, यानी इनके यहाँ की न्यूज़ वैसे बाहर आती नहीं है लेकिन जो मीडिया हाउस जिस तरह की जानकारी बाहर दे रहे हैं उनसे ये लग रहा था कि शी जिनपिंग को शायद तीसरे कार्यकाल के लिए लोग आने देंगे नहीं। ठीक है, हमने आपके सामने इस प्रकार की जानकारी दी थी और जानकारी में ये आपके सामने मेरी ही न्यूज़ के अंदर मैंने आपको जानकारी देते हुए बताया था कि एक हु जिनताओ नाम का व्यक्ति है, अगर आपको याद हो। मैं अगर याद नहीं है तो ये मेरी ही इसी चैनल पर डला हुआ सेशन है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो हु जिनताओ हैं, जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने थे ना चीन के, उनसे पहले हु जिनताओ राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो भी 10 साल के लिए राष्ट्रपति रहे थे। हु जिनताओ को तीसरा टर्म नहीं मिला था का मतलब क्या हुआ कि वो तीसरी बार तक के लिए राष्ट्रपति नहीं चुने गए थे। शी जिनपिंग हु जिनताओ के बाद आए थे और हु जिनताओ के बाद आने के बाद आज तक शी जिनपिंग जो हैं वो इस पद पर बरकरार हैं और इन्होंने तीसरी बार के लिए भी अपनी दावेदारी तय कर दी है। इनका नाम लिया था जब मैंने ये वाली न्यूज़ पढ़ाई थी, देख रहे हैं आप हु जिनताओ। अभी एक वीडियो दिखाता हूँ आपको मैं, ये एक वीडियो है। इनके यहाँ पर क्या होता है मैं पूरा सिस्टम समझाऊंगा इनके यहाँ का। इनके यहाँ पर ये जो लोग दिख रहे हैं ना आपको बैठे हुए, ये इनकी राजनीतिक पार्टी जो चीनी साम्यवादी पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी सालाना होने वाली एक बैठक का दृश्य है। इस बैठक के अंदर सभी गणमान्य लोग वो उपस्थित होते हैं जो कि चीन के अंदर राजनीति में सबसे ऊपर का स्थान रखते हैं। मैं पूरा सिस्टम बताऊंगा लेकिन एक दृश्य है जिसको आप फिलहाल के लिए एक बार देख लीजिए, बाकी पूरी राजनीतिक व्यवस्था इनकी कैसे चलती है मैं विस्तार से बताऊंगा। यहां पर आप देख रहे हैं ये बैठे हुए हैं शी जिनपिंग, शायद आपको यहां दिख ना रहा हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आप एक बार फिर इसे देखें। आप यहां पर बैठे हुए जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये हु जिनताओ हैं, इनके बगल में बैठे हुए हैं शी जिनपिंग। हु जिनताओ को यहां पर कुछ गार्ड्स के द्वारा उठा करके बाहर ले जाया जाता है। अब देखो यहां पर इनको उठाया जा रहा है और उठा करके यहां से बाहर ले जाने के लिए रास्ता दिखाया जा रहा है। ये रहे हु जिनताओ, इनको 2 सिक्योरिटी पर्सनल शी जिनपिंग के पीछे से उठाते हुए बाहर ले जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या मतलब है इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आप ये समझ लो ये पूरी की मतलब ये जो बैठक हो रही है ना इसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है चीन के अंदर, यानी ये बहुत ही डेकोरेटेड तरीके से कराया जाने वाला इनका सालाना अधिवेशन है। किनका? चाइनीज लोगों का। और चाइनीज लोगों में चाइनी की जो सरकार है ना, साम्यवादी जो पार्टी है, उनकी सबसे बड़ी कमेटी। अब मैं इसका भी थोड़ा सा विस्तार से आपको उल्लेख कर देता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, हु जिनताओ को, जिनका नाम मैंने आपके सामने पहले लिया था, हु जिनताओ का नाम कहाँ लिया था, ये रहा पावर ओवर टर्न इन चाइना, हु जिनताओ। क्यों? क्योंकि यही व्यक्ति इनकी किसके लिए था, नज़रबंदी के लिए जिम्मेदार था। शी जिनपिंग ने क्या किया, इस व्यक्ति को पूरे देश के सामने राजनीतिक पार्टी की बैठक में से उठा के बाहर करवा दिया। मीनिंग समझना। हालांकि चाइना को जब यह पता चला कि भैया हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग दुनिया में भी दे जाएगी, ये अपने आप की सफाई देते हुए फिर रहे हैं कि नहीं नहीं इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इतना तो आप भी लोग देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, इन्होंने पूरे देश को जब देख रहा है पूरा देश, उस समय इन्होंने इनको उठा करके पार्टी की बैठक से बाहर का रास्ता दिखवा दिया, ये बताने के लिए कि मुझसे जो टकराएगा वो पार्टी में छोड़िए देश में भी नहीं रह पाएगा। ये वाली कार्रवाई। इतना ही नहीं, मैं आपको और भी बातें बताता हूँ। असल में क्या है, शी जिनपिंग ने जब लास्ट टाइम यानी लास्ट ईयर अपने संविधान में परिवर्तन करवाया था तो उसमें एक प्रावधान जोड़ा था कि जिनपिंग के खिलाफ बोलना एक सजा कहलाएगा।
चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने एक कॉन्क्लेव में इस प्रकार का ऐतिहासिक संकल्प पत्र तैयार किया था। माओ त्सुंग के बाद में सेकंड व्यक्ति जो चीन के अंदर सबसे प्रभावशाली नेता काउंट किए गए, दैट इज शी जिनपिंग, और कहा गया कि इनके खिलाफ चीन में कुछ भी बोलना सजा कहलाएगी। अब जब हु जिनताओं ने कुछ तो किया है तभी इन्हें उठाकर ले जाया गया है, तो इस संकल्प पत्र में दो टर्म जो राष्ट्रपति रहने की क्षमता थी उसको बढ़ाकर तीन टर्म कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए, और चीन के सबसे ताकतवर नेता के रूप में शी जिनपिंग को बना दिया गया था। और इतना ही नहीं, शी जिनपिंग जिस तरह की बातें सोचते हैं वो उनके संविधान के अंदर ऐड कर दिया गया, यानी संविधान संशोधन नहीं, इनकी थॉट को संविधान का हिस्सा बना दिया गया चाइना के अंदर। ठीक है, यही कारण है कि इस समय अंतरराष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइन है क्या, हु जिनताओ द मिस्टीरियस एग्जिट ऑफ चाइनाज फॉर्मर लीडर फ्रॉम पार्टी कांग्रेस। हु जिनताओ को मिस्टीरियसली बाहर निकालने को लेकर के पूरी दुनिया में वाद विवाद फैला हुआ है। इतना ही नहीं, और भी जो व्यक्ति जिम्मेदार थे उन्हें एक तरह से समझ लीजिए जनता के सामने बाहर निकाला गया है। अब मैं ये पूरी आपको गणित समझाने की प्रयास करता हूं। यहां पे आपको जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं ये कांग्रेस के अंदर बैठे हुए लोग हैं, शी जिनपिंग आमने खड़े हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये जानने का प्रयास करते होंगे कि चाइना में पार्टी किस प्रकार से कार्य करती है, क्या वहां विपक्ष नहीं होता है, क्या क्या वहां पर अपोजिशन के अभाव में सरकारें सही से काम कर पाती हैं क्या। देखिए, सामान्यतया ये माना जाता है, जैसे हमारे देश में भी एक लाइन बहुत कही जाती है कि मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है तभी जाकर के देश के अंदर लोकतंत्र चल सकता है। जैसा आप जानते हैं कि चीन में पार्टी ही एक है और उस पार्टी का नाम है चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी। जब पार्टी ही एक है तो विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब एक ही पार्टी के अंदर जब हम क्या कहते हैं मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लोकतंत्र का अपोजिट क्या है, तानाशाही, यानी कि आपके विरोध में बोलने वालों को कोई जगह नहीं दी जाएगी। इनके तो संविधान में भी यह लेटर मेंशन किया हुआ है कि चाइना में शी जिनपिंग के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। इसका अर्थ क्या हुआ, इनके हु जिनताओ जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने का प्रयास किया तो उन्हें देश के सामने बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकाला गया। आपने ये दृश्य देखा। अब मैं थोड़ा सा आपको इनकी पार्टी की तानाशाही का थोड़ा तरीका और बताता हूं, कैसे होती है बैठक, मैं सारी बातें समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, चाइना में क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी हर 5 वर्ष में एक बहुत बड़ी बैठक करती है ना, उसको कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस कहा जाता है। उस कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नीतिगत निर्णय कि हमारा विजन क्या है, अगले 5 साल में हम क्या सोचते हैं, किस प्रकार से कार्य करेंगे, इन सारी बातों को डिस्कस किया जाता है कि हमारी संविधान क्या होगा, हमारा एजेंडा क्या होगा, लीडरशिप में कौन किस प्रकार से लीड करेगा, ये सारी बातें यहां पर डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना एक चीज यहां पर दिखाने का प्रयास करता हूं। आप ये न्यूज पढ़िए, मतलब ग्लोबल टाइम्स की खबर पढ़िए, अक्टूबर 23 की खबर है, और इस अक्टूबर 23 की खबर में क्या मेंशन किया गया है कि शी जिनपिंग को इलेक्टेड किया गया है किसके रूप में, जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीसी सेंट्रल कमेटी। अब ये सीपीसी सेंट्रल कमेटी का जनरल सेक्रेटरी होने का मतलब क्या होता है, मैं एक बार के लिए आपको वो समझाने का प्रयास करता हूं। इधर देखिए आप साहब, ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, इसे आपको यूं समझना है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि हमारे देश में एक पार्टी का शासन इसलिए है क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर जो लोग चुन के आते हैं वो चुनावी लेवल पर ही, यानी कि एकदम बॉटम रूट लेवल पर ही इलेक्शन में चुनकर आते हैं। आसान भाषा में यूं समझिए, जैसे आज हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, जैसे पार्षदी का चुनाव होता है, सरपंच पंच का चुनाव होता है, आप विचार करिए कि उस लेवल पर पंच या पार्षद, उस लेवल पर इलेक्शन हो, पूरे देश के पंच और सरपंचों को मिलाकर, पंचों को ही मिलाकर या पार्षदों को मिलाकर एकदम ग्राउंड लेवल पर वर्कर्स की टीम तैयार कर ली जाए। सबसे पहले तो पार्टी के अंदर सदस्यों की एंट्री की जाती है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग शामिल हैं, लगभग 10 करोड़ लोगों का दावा करती है। हालांकि बीजेपी भी यही क्लेम करती है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, लेकिन चाइना की पार्टी जो कहती है क्योंकि पार्टी ही एक है इतने बड़े देश में तो हम उनकी एक बार के लिए बात सुन लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये पार्टी के सदस्य अपने में से ही कुछ लोगों को चुनते हैं। किस चीज के लिए चुनते हैं, ये 10 करोड़ के आसपास जो लोग हैं ये अपने में से नेशनल पार्टी कांग्रेस के लिए जिसमें कि 3000 सदस्य होते हैं उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, पूरे देश के अंदर से 3000 लोगों का चुनाव होकर आता है।
इसको सामान्य तरह से यूं समझिए, क्योंकि इनके यहाँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हर राज्य से चुन चुन करके ये नेशनल पार्टी कांग्रेस के मेंबर निकल कर आते हैं 3000, इस तरह से समझिए। अब ये जो 3000 लोग निकल कर आए, इन 3000 में से सेंट्रल कमेटी के 370 सदस्य निकल कर आते हैं। आप यूं समझ के चलिए, आज जैसे राजस्थान के अंदर 200 विधायक हैं, देश के अंदर जितने राज्य हैं अगर हम उस हिसाब से चलें तो लगभग 5-7 हजार के आसपास विधायकों की संख्या निकल के आएगी। एक एवरेज निकाल रहा हूं मैं, है ना, 5000 औसत निकाल रहे थे, जिसमें से यूपी के अंदर 400 से अधिक विधायक भी शामिल है, तो गोवा जैसे राज्य भी शामिल है। हम अगर 4000 विधायक मान लें तो ऐसे इनके यहां पर ये मान लो नेशनल पार्टी कांग्रेस के अंदर 3000 लोग हैं। उन 3000 में से 370 सदस्य, इट इज समथिंग लाइक लोकसभा और राज्यसभा, है ना। हालांकि हमारे यहाँ 543 का आंकड़ा है, लेकिन फिलहाल के लिए इनकी सेंट्रल कमेटी में 370 सदस्य निकल कर आते हैं, ऐसे इस चीज को समझिएगा। अब ये जो 370 सदस्य निकलकर आए, एक बार के लिए मान लीजिए कि लोकसभा जैसी संरचना हो गई, हालांकि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अब ये जो सेंट्रल कमेटी बनकर आई, इस सेंट्रल कमेटी में से बनकर आता है पोलित ब्यूरो। अब ये पोलित ब्यूरो को ऐसे समझिए, जैसे इंडिया के अंदर हम लोग ये मानते हैं ना, जैसे कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्री परिषद की हम जब बात कर रहे होते हैं उसमें विभिन्न लेवल के मंत्री होते हैं, ऐसे इनमें से आप पोलित ब्यूरो देख सकते हैं। और पोलित ब्यूरो बनता है यहां पर 25 लोगों के साथ। इस पोलित ब्यूरो में से 7 लोग बनकर आते हैं पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर। इसको कैसे समझे, इसको आप ऐसे समझिए कि एक तो कैबिनेट, मतलब हमारे यहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर होती है कैबिनेट, हालांकि ऊपर नीचे नहीं होती है, हालांकि उसका हिस्सा होती है, लेकिन कहते हैं निर्णय में ज्यादा भारी भागीदारी कैबिनेट निभाती है। इनके यहां पर पोलित ब्यूरो से ऊपर होती है पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। ये जो पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है ना 7 मेंबर की, ये अपने में से सेक्रेटरी चुनती है और वो होता है जनरल सेक्रेटरी। आपको पूरी व्यवस्था समझ में आ गई होगी। लगभग 10 करोड़ लोगों के अंदर से 3000, 3000 से 370, 370 से 25, 25 से निकल कर आता है 7, और 7 निकल करके जो आता है वो 7 में से एक जनरल सेक्रेटरी निकल कर आता है। तो शी जिनपिंग क्या है, जनरल सेक्रेटरी हैं। इसलिए अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने लास्ट ईयर उनको चिढ़ाने के लिए यह कहा था कि आप प्रेसिडेंट तो है ही नहीं, क्योंकि आप किसी भी चुनावी माध्यम से नहीं आए हैं, आप एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। पता नहीं चाइनीज लोग आपको प्रेसिडेंट क्यों बोलते हैं, मैं तो आपको जनरल सेक्रेटरी बोलूंगा, ठीक है। इनके यहां की पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ही, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने ब्रिटेन के बारे में सुना, ब्रिटेन के अंदर जो भी ये पार्टी के लोग थे, कंजर्वेटिव के जो लोग थे, इन्होंने पहले पार्टी का हेड चुना, लिज ट्रस को हेड चुना, लिज ट्रस को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। इनके यहां यह होता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होगा वही व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा, और प्रेसिडेंट बनेगा क्योंकि प्रेसिडेंट हर देश के अंदर तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, इसलिए यह व्यक्ति भी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। यानी कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ही प्रेसिडेंट होगा देश का, और वही यहां पर सेनाओं का अध्यक्ष होगा। उम्मीद है यह बात आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अगर आपको यह बात क्लियर हो गई है तो थोड़ा सा यहां पर आपको और जानकारी मैं दे देता हूं, और वो क्या है, ये जो 7 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी है विच वॉज इलेक्टेड बाई दी पोलित ब्यूरो, मतलब पोलित ब्यूरो से 7 मेंबर की समिति बनकर के आई, और इन लोगों के द्वारा ही किसका चयन किया गया था, सीसीबी का। इंटरेस्टिंग बात ये है कि शी जिनपिंग या फिर जनरल सेक्रेटरी जो होता है वो खुद डिसाइड करता है कि मेरे पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में लोग कौन कौन शामिल होंगे। इंटरेस्टिंग बात देखो, पोलित ब्यूरो से ये बनता है, इससे ये बनता है, और ये बनकर डिसाइड करता है कि मेरे इसमें कौन होगा, इसमें कौन होगा, ये यहां से डिसाइड करता है। यानी ऊपर की तरफ जो चक्र जा रहा है वो असल में दिख रहा है यूनिडायरेक्शनल, है नहीं ऐसा, हमें तो ये लग रहा है आम सहमति से यहां तक आए, यहां से आगे फिर आम सहमति से ऐसे आए, जबकि रिवर्स सिस्टम है। यहां पर जो पहुंच गया वही वाली बात हो गई, धरती पर पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा। अब यदि कोई व्यक्ति यहां पहुंच गया, अब वो अपने आप से डिसाइड करता है कि पोलित ब्यूरो में से किसे मैं पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में लूंगा। स्टैंडिंग कमेटी में जो व्यक्ति आएगा वो इसकी चाहत से आएगा, तो स्वाभाविक है कि इसका पद पर बने रहना हमेशा तय हो गया। यानी प्रेसिडेंट शी ऑल्सो प्रमोटेड सेवरल ऑफ हिज लॉयलिस्ट टू 7 मेंबर पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। आप देख लीजिए, अभी रिसेंट रिपोर्ट ये है कि इन्होंने अपने 7 की 7 लॉयलिस्ट को, ये जो बैठे हुए दिख रहे हैं ये इनकी पसंद के लोग हैं, किनकी, शी जिनपिंग की पसंद के लोग, इन्होंने उठा करके इन्हें कहां डाला है, अपनी इस 7 मेंबर की स्टैंडर्ड कमेटी में डाला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री ने अपना कैबिनेट चुना हो, अब वही कैबिनेट प्रधानमंत्री चुनेगी तो बात तो वही होगी ना जी,
उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, ठीक है। इनके यहां पर पहली कांग्रेस 1921 में बैठी थी, हर 5 साल में होती है, 20वीं कांग्रेस की बैठक थी, ठीक है। 2012 में शी जिनपिंग जो थे वो जब चुने गए थे तब एज एन राष्ट्रपति चुने गए थे, 2022 तक इनके 10 साल पूरे हो गए। अब अगली बार के लिए इनको चुनना था तो अब अगले 5 साल के लिए, इसके लिए इन्होंने यहां पर संविधान में परिवर्तन भी हुआ है, परिवर्तन करके इनको अगले 5 साल के लिए भी पद पर बिठा दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये समझ लीजिए कि 20 कांग्रेस के अंदर, तो ये मतलब उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, हु जिनताओ कौन थे ये मैंने आपको समझा दिया, हु जिनताओ इनसे पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे जिन्हें सबके सामने पार्टी से बाहर निकाला गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इनके यहां पर तानाशाही चल रही है। आप जब खुद से ही सुप्रीम लीडर चुन रहे हैं, सुप्रीम लीडर अपने लोगों को चुन रहा है, तो लोकतंत्र की तो बात छोड़ ही दीजिए। यानी कि अपोजिशन की, जहां हमारे देश में बात करते हैं कि अपोजिशन कमजोर होगा तो देश की राजनीति का बुरा हाल हो जाएगा, इनके यहां अपोजिशन छोड़िए, अपनी पार्टी के लोगों का चयन भी वही व्यक्ति कर रहा है, खुद से अपना चयन भी उनसे ही करवा रहा है, और पार्टी में अगर कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसे पब्लिकली जलील करके बाहर निकाला जा रहा है। आप यहां पर तस्वीरें अपने आप में बयान होती हुई देख सकते हैं। इस वजह से पूरी दुनिया को यह मैसेज चला गया कि शी जिनपिंग के सामने बोलने के लिए उनकी पार्टी में भी कोई अब नहीं बचा है, ठीक है। उनके पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में उनके अपने लॉयलिस्ट शामिल किए गए हैं, आप देख लीजिए। यहां पर फिर हु जिनताओ जो है उनके बारे में कहा गया कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे इसलिए उन्हें बाहर भेज दिया गया। ये चाइना का जिनहुआ न्यूज चैनल है, उसके द्वारा ये जानकारी दी गई। साहब उनको अच्छा नहीं लगा, चलो समझ में आता है, प्रधानमंत्री को पद से क्यों हटा दिया। अब आप में से कई लोग पूछेंगे इनके प्रधानमंत्री भी होता है क्या सर, हमको तो पता ही नहीं प्रधानमंत्री होता कहां होगा। ये जो पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, पोलित ब्यूरो जो है, इनमें से किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि तुम कैबिनेट के प्रधान हो, उनको भी पद से हटा दिया गया है कि तुम यार लगा था हमारे खिलाफ कार्यवाही कर रहे हो। मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था शी जिनपिंग ने तय कर लिया है कि उनके खिलाफ बयान देने वाले जो भी लोग हैं उनको पार्टी से हटा दिया जाएगा, और वो कर रहे हैं। पहले जो राष्ट्रपति अब तक हुए हैं अधिकतम 2 बार ही वो राष्ट्रपति रह सकते थे, अपने लिए वो टर्म इन्होंने बदलवा दी है, अब वो कितनी भी बार आजीवन राष्ट्रपति रह सकते हैं जब तक वो चाहें। इस प्रकार से शी जिनपिंग चीन के सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं और अपने विचारों को भी यहां के संविधान में शामिल करवा चुके हैं कि जो भी है मेरी बातें संविधान का हिस्सा होंगी। जिनपिंग की अगर हम बात करें तो क्यों चाइना के अंदर इनकी इतनी महत्व बनते चले जा रहे हैं, इतना ज्यादा इनको क्यों माना जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए। जैसे इन्होंने अपने साथ 160 देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, असल में ये शी जिनपिंग के दिमाग की उपज है, जिसके चलते अमेरिका की हालत खराब हो गई। यानी दुनिया भर के देशों को जो ये कनेक्टिविटी की सुविधा देने के नाम पर इन्होंने कर्ज दिया और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया, ये चीन के द्वारा किया गया शी जिनपिंग के नेतृत्व में सबसे बड़ा कार्य माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से अमेरिका का प्रभुत्व दुनिया में कम हो गया। आज आपको मैंने थोड़े दिन, कल भी मैंने एक खबर पढ़ाई थी जिसमें यह बताया था कि जर्मनी जो है वो किस प्रकार से चाइना से इन्वेस्टमेंट लेने को तैयार हो गया है। 69 देशों की ये ऑफिशियल विजिट कर चुके हैं अपने 10 साल के कैरियर के अंदर। इस वजह से पूरी दुनिया ये मान रही है कि अब आने वाले समय में चाइना जो है ना वो अपनी इररिप्लेसेबल पोजीशन पर पहुंचता चला जा रहा है, जहां पर निर्णय एक ही व्यक्ति की चाहत पर होंगे। और जिनपिंग अब दुनिया को यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के बिना दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। ये इनका इस बार का एजेंडा है। तो शी जिनपिंग तीसरी बार के लिए राष्ट्रपति बन गए। अब सवाल यह बनता है भारत का क्या होगा, भारत के साथ रिश्तों की बात क्या होगी। तीसरी बार का चुनाव मतलब ये अपने पद पे शपथ जो है वो तो अगली बार मार्च में लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शब्द यह है कि अगर ये तीसरा टर्म तो सिक्योर कर लेगा, अब तीसरी बार तो बन जाएंगे, ऐसी स्थिति में भारत के लिए बड़ी चुनौतियां क्या होंगी। ऑब्वियस ही बात है, जैसे अब तक बॉर्डर पर टकराव चला आ रहा था वो शायद और बढ़ सकता है। इसके साथ साथ चूंकि इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान के प्रति बहुत स्नेह दिखाता है, ऐसी स्थिति में संभव है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ साथ पाकिस्तान में और कॉरिडोर्स को भी बढ़ावा दे दिया जाए। साथ में भारत को जो इनको भारत को घेरने की जो ये रणनीति बना रहे थे, एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से नेपाल, बांग्लादेश और हिंद महासागर में बैठ करके श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के माध्यम से, वो स्ट्रेटेजी और ज़्यादा मजबूत इनकी होती हुई दिखाई देगी। यही कारण है कि सीपैक के साथ साथ इन्होंने और भी 3 गलियारों पर काम करवाना पाकिस्तान में शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ की अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ अपने अमेरिका के द्वारा दी गई सीख के ऊपर कि तुम हमसे तो पैसा माफ करवाने आ गए, चाइना से भी थोड़ा पैसा लेकर आ जाओ, इसलिए शहबाज शरीफ जो हैं वो नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर में चाइना की यात्रा पर जाना डिसाइड कर चुके हैं, अपने लिए कर्ज माफ करवाकर वहां से भी आ जाएंगे।
ठीक है। तो आप पाकिस्तान के पीएम की यात्रा अगले महीने वहां पर होने वाली है। ये थी अभी तक की जानकारी, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो। आप सभी साथियों को दिवाली की पूर्व संध्या पर बहुत सारी शुभकामनाएं, अपना प्यार बनाए ऐसे ही रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, सबसे अपने साथ चैनल को साझा करने का प्रयास करें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।